इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दोस्तों, पांचवा मुकाबला, पांचवा टी ट्वेंटी मुकाबला आज शाम को 8 PM पर खेला जाना है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब मुकाबला होने वाला है क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं, दो दो मैच जीत करके दोस्तों सीरीज पर बराबरी पर है। ये दोस्तों आज शाम जो मुकाबला होगा ये दोस्तों फाइनल मुकाबला होने वाला है दोस्तों। वेस्ट इंडीज ने शुरुआती पहले और दूसरा मैच अगर जीता है तो इंडिया ने भी तीसरा और चौथा मैच बहुत ही शानदार प्रकार से जीता है। तो दोस्तों एक भयानक मुकाबला, इसीलिए दोस्तों इनाम राशि को बढ़ाकर रख दिया गया 40 करोड़ रुपए दोस्तों। दोस्तों बहुत ही गजब मुकाबला होने वाला है क्योंकि ये अमेरिका के फ्लोरिडा क्रिकेट स्टेडियम पर ये मुकाबला होने वाला है दोस्तों। ग्राउंड छोटा इसलिए चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है दोस्तों। बहुत ही मजा आएगा क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही होगा कि चौथे मैच में दोस्तों यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल ने वो चौके और छक्के की बरसात किया है जिससे दोस्तों क्रिकेट जगत हमेशा याद किया जाएगा क्रिकेट जगत में। और ऐसा लग रहा था कि दोस्तों सुमन गिल यशस्वी जायसवाल बिना विकेट खोए ही इंडिया इस मैच को जीत लेगी। वेस्ट इंडीज ने 178 रन का स्कोर इंडिया के सामने रखा परंतु ऐसा लग रहा था बिना विकेट खोए दोस्तों इंडिया जीत लेगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका दोस्तों। सुमन गिल दोस्तों जब जीत के लिए मात्र 14 रन बने थे तब सुमन गिल का दोस्तों विकेट गिरा, वो भी छक्के मारने के चक्कर में दोस्तों। कुछ सुमन गिल जल्दी कर रहे थे इसलिए दोस्तों वो अपना विकेट थ्रो करके चले आए, अन्यथा दोस्तों इंडिया का एक भी विकेट गिरने वाला नहीं था। बल्कि दोस्तों इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर दोस्तों जीत लिया, वो भी कितने 10 विकेट से दोस्तों जीता है दोस्तों। बहुत बड़ी जीत दोस्तों हासिल किया है इंडिया ने दोस्तों। तो क्या ये पांचवा मुकाबला इंडिया की क्या सीरीज जीतेगी ये तो भविष्य की गोद में छिपा है दोस्तों। परंतु इंडिया का पल्ला भारी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा क्योंकि दोस्तों सुमन गिल, यशस्वी और सूर्य तीनों दोस्तों वापसी आ गए दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो को बारीकी से देखिए क्योंकि दोस्तों आजकल मेरी कप्तान उपकम दोस्तों वीडियो पर आ रहे हैं दोस्तों। ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तानी हमारे बन रहे, जो कल हमने दोस्तों आपको वीडियो कप्तान उपकप्तान का स्पेशल वीडियो दिया था, आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि हमारे कप्तान उपकम देखिए बने हैं कि नहीं दोस्तों। देखिएगा हमने दोस्तों रिस्की टीम एक बनाई थी, रिस्क लीजिए दोस्तों। रिस्की टीम में देखिएगा सुमन गिल को हमने कप्तान बनाया था, सुमन गिल या सूर्य कुमार यादव आपने ऑप्शन दिया था सुमन गिल को दोस्तों कप्तान बनाया था, वही यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन बनाया था दोस्तों। आप हम प्रूफ के साथ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारे ही कप्तान उपकप्तान आजकल दोस्तों ड्रीम टीम पर आ रहे हैं और आपको करोड़ों रुपए जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम क्रिकेट रिपोर्ट पिच रिपोर्ट बताएंगे, उसके बाद क्या होने वाली है दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, क्योंकि दोस्तों वेस्ट इंडीज कुछ बदलाव करना चाहेगी। इंडिया का बदलाव दोस्तों संभव नहीं दिख रहा है। इंडिया ऐसा लगता है जो टीम दोस्तों चौथे T20 मैच में खेला है वही टीम से दोस्तों फाइनल मैच खेलना चाहेगी और सीरीज को जीतना चाहेगी। और वही वेस्ट इंडीज दोस्तों अपनी सरजमी पर ओडीआई और टेस्ट सीरीज हारने के बाद दोस्तों T20 सीरीज पर लगातार कब्जा करना चाहेगी दोस्तों। पर ये तो दोस्तों वक्त बताएगा, पर अभी ये भविष्य की गोद पर छिपा है। तो दोस्तों और देरी न करते हुए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पिच रिपोर्ट क्या कह रही है दोस्तों। फ्लोरिडा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या कहेगी दोस्तों। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये पिच ग्राउंड थोड़ा छोटा है और यहां पर दोस्तों बल्लेबाजी करना आसान है दोस्तों। शुरुआती वो है दोस्तों शुरुआती ओवरों में शुरुआती पहले बैटिंग करना बहुत ही ज्यादा यहां पर आवश्यकता है, अर्थात जो कोई भी टॉस जीतेगा यहां बैटिंग करने आएगा, क्योंकि यहां का दोस्तों जो अभी तक का रिकॉर्ड यहां पर 15 T20 मैच हुए हैं जिसमें दोस्तों 11 बार दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता, वही 3 बार सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता है, वही 1 मैच दोस्तों बेनतीजा रहा दोस्तों। ये है दोस्तों यहां का रिकॉर्ड। यहां पर दोस्तों हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 245 रन बने हैं दोस्तों T20 में, वो भी दोस्तों वेस्ट इंडीज ने बनाए इंडिया के खिलाफ 2016 में। और दोस्तों यहां पहली पारी का औसत स्कोर 165, तो वही सेकेंड पारी का औसत स्कोर 123 रन होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर सेकंड पारी में स्पिनर को मदद मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा गेंद रुक कर आएगी और बैटिंग करना उतना आसान नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज आप दोस्तों आप
अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पिच रिपोर्ट को बहुत ही बारीकी से बताए, अब हम चलते हैं दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताने। तो इंडिया की तरफ से देखिए सुमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल है, अर्शदीप सिंह है दोस्तों, और मुकेश कुमार है दोस्तों, मुकेश कुमार है। इसके बाद हम चलते हैं वेस्ट इंडीज टीम की तरफ। तो वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से ब्रांडन किंग है, काइल मेयर है, जॉनसन चार्ल्स की जगह पर दोस्तों स्वाइन होप को लिया गया है दोस्तों, ये चौथे मैच में स्वाइन होप को लिया गया और उन्होंने शानदार पारी खेली 45 रन की। स्वाइन होप के बाद निकोल पूरन है, रोमन पावेल है, सिमरन एटमायर है, रोमरियो सेफर्ड है, जेसन होल्डर है, अकील हुसैन है, अल्जारी जोसेफ और ओबेट मैं कहा है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये रही वेस्ट इंडीज की टीम। तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हमने बहुत ही बारीकी से बताया है। अब चलते हैं दोस्तों इंडिया के प्रत्येक बल्लेबाज का पिछले 3 मैच का रिकॉर्ड भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देरी मत कीजिए और अभी तक अगर वीडियो ठीक से नहीं देखा, मन लगाकर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना। पर दोस्तों अब आपको माइंड लगाना है, बिल्कुल एकाग्र होना है दोस्तों। देखिए सुमन गिल ने पिछले 3 मैचों में दोस्तों बहुत ही अच्छा योगदान नहीं दिया था, पर चौथे T20 मैच में 77 रन की शानदार पारी खेली है दोस्तों, 77 रन की शानदार पारी खेली है सुमन गिल ने और मैच को जीता कर माने जब तक मैच जीता नहीं, लगभग जीत की दहलीज तक इन्होंने ले ली। यशस्वी जायसवाल दोस्तों 2 मैच खेले हैं अभी तक, 84 और 1, पहले डेब्यू मैच में इन्होंने 1 रन बनाए और दूसरे मैच में दोस्तों 84 रन, वो भी नॉट आउट दोस्तों आए हैं, नॉट आउट दोस्तों यशस्वी जायसवाल हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को दोस्तों 4th मैच में मौका ही नहीं मिला और तीसरे मैच में मौका मिला था दोस्तों, तो उन्होंने 83 रन ताबड़तोड़ 83 रन, वो भी 14 गेंद में 64 रन बनाए थे दोस्तों, और उसके पहले 21 रन। तो टॉप के 3 बल्लेबाज दोस्तों इस समय इंडिया के बहुत ज्यादा फॉर्म में आ चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों वेस्ट इंडीज की मुश्किलें बढ़ने वाली, वही संजू सैमसन को 2 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला और तीसरे दूसरे मैचों में 7 रन बनाए। तिलक वर्मा दोस्तों फिर एक बार अच्छे साबित हुए, 7 रन बनाए, वो भी नॉट आउट, क्योंकि रन ही कम पड़ गए थे वेस्ट इंडीज के, तो 7 ही रन बना पाए, नॉट आउट आए 49 रन 51 रन दोस्तों। लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे तिलक वर्मा। हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या को भी 4th मैच में खेलने का मौका नहीं मिला और जब जब मौका मिला दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अच्छा किया है, लाजवाब रन बनाने के साथ साथ विकेट भी लिए 20 रन और 24 रन 3 विकेट। वही अक्षर पटेल को भी दोस्तों 4th मैच में मौका नहीं मिला, उसके पहले मौका मिला था 14 और 13 रन बनाए। कुलदीप यादव दोस्तों लगातार अच्छी गेंद करते जा रहे हैं और 3 मैचों में दोस्तों इन्होंने 6 विकेट झटके, अर्थात प्रत्येक मैच का औसत स्कोर देखे तो दोस्तों 2 विकेट प्रति मैच है दोस्तों। युजवेंद्र चहल की बात करें इन्होंने को 5 विकेट मिले हैं दोस्तों, अर्शदीप सिंह को भी 6 विकेट मिले हैं दोस्तों 3 मैचों में, अर्थात प्रत्येक मैच में 2 विकेट का इनका भी औसत है, और मुकेश कुमार को दोस्तों 3 विकेट मिले हैं 3 मैचों में, अर्थात प्रत्येक मैच में 1 विकेट लेने का इनका भी स्कोर है। तो दोस्तों हमने इंडिया के प्रत्येक खिलाड़ी के विषय में बताया, अब बारी है वेस्ट इंडीज की टीम की। तो ब्रांडन किंग है जो 18 रन बनाए 4th पारी में, 42 रन 0 रन दोस्तों। काइल मेयर्स दोस्तों फिर कल 17 रन बनाए और 25 रन 15 रन, लगातार काइल मेयर्स का प्रदर्शन सुधरता चला जा रहा है दोस्तों ब्रांडन किंग के साथ, परंतु दोस्तों अपनी पारी को बहुत अच्छा नहीं कर पाए। जॉनसन चार्ल्स की जगह स्वाइन होप को कल ले लिया गया था, उन्होंने 45 रन की पारी के लिए, इसके पहले जॉनसन अच्छा नहीं चल रहे थे, 12 रन 2 रन 5 रन इस प्रकार से खेल रहे थे, तो उनकी जगह स्वाइन होप को लिया और आते ही उन्होंने 45 रन की शानदार पारी के लिए। निकोलस पूरन कल फ्लॉप रहे दोस्तों, मात्र 1 रन पर निकोलस पूरन को पवेलियन लौटना पड़ा। धीरे धीरे निकोलस पूरन का बल्ला क्या शांत हो जाएगा, क्या अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। रोमन पावेल और निकोलस पूरन दोनों अच्छा खेल रहे थे दोस्तों, 3 मैचों तक दोनों ने अच्छी पारी खेली, पर 4th मैच में दोस्तों दोनों ही धाकड़ खिलाड़ी दोस्तों 1-1 रन बनाकर इन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इसी से दोस्तों वेस्ट इंडीज अच्छा एक अच्छा खासा 178 रन का स्कोर तो दे पाई, परंतु जीत नहीं हासिल कर पाई दोस्तों। निकोलस पूरन 1 रन 20 रन और 67 रन, वही रोमन पावेल 1 रन 40 रन। कल सिमरन हेटमायर का एक बार बल्ला फिर से बोला और उन्होंने ताबड़तोड़ इनकी बैटिंग की वजह से दोस्तों वेस्ट इंडीज 178 रन का लक्ष्य इंडिया के सामने देने में कामयाब रही। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि लग रहा था 120-30 रन पर वेस्ट इंडीज दोस्तों पूरी तरह से सिमट जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही सिमरन हेटमायर का बल्ला चला दोस्तों तो स्कोर जाकर 178 रन पहुंच गया, 61 रन 9 रन और 22 रन की शानदार पारी के लिए। रोमरियो सेफर्ड का फिर एक बार दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड, मात्र 9 रन बनाए
और उन्हें विकेट भी हासिल नहीं हुआ दोस्तों। जेसन होल्डर दोस्तों कोई भी विकेट नहीं, और 3 मैचों मात्र 6 रन 2 विकेट। अकील हुसैन की भी अकील काम नहीं की काल दोस्तों, लगातार मार खाए दोस्तों, और अभी तक 3 पारियों में 16 रन बनाकर 3 विकेट। अलजारी जोसेफ को भी 1 विकेट नहीं मिला दोस्तों। कल मैं ओवेट मैकाय को दोस्तों एक सफलता मिली है, जो सफलता मिली ओवेट मैकाय को, इन्होंने 3 मैचों में 3 विकेट लिए दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से हमने दोनों टीमों के प्रत्येक खिलाड़ी के 3 मैचों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बताया। अब चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं बेस्ट ड्रीम टीम, जहां से आपको जीतना है मैच दोस्तों। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं बेस्ट ड्रीम टीम। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों शुभमन गिल को दोस्तों, शुभमन गिल को लेते हैं, शुभमन गिल को लेते हैं दोस्तों, शुभमन गिल को लेते हैं। शुभमन गिल के बाद दोस्तों लेते हैं यशस्वी जायसवाल को दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को लेते हैं, यशस्वी जायसवाल को लेते हैं, यशस्वी जायसवाल को लेते हैं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के बाद सूर्य कुमार यादव को लेते हैं, सूर्य कुमार यादव को लेते हैं, सूर्य कुमार यादव के बाद दोस्तों हम लेंगे दोस्तों तिलक वर्मा को लेंगे, तिलक वर्मा को लेंगे, तिलक वर्मा को लेंगे, तिलक वर्मा के बाद दोस्तों हम लेंगे हार्दिक पांड्या को, हार्दिक पांड्या के बाद दोस्तों, हार्दिक पांड्या के बाद हम चलते हैं, हम लेंगे किसको, हार्दिक पांड्या के बाद दोस्तों हम लेंगे यहां पर लेंगे ब्रांडन किंग को, ब्रांडन किंग को, ब्रांडन किंग को, ब्रांडन किंग को लेंगे, ब्रांडन किंग के बाद लेंगे दोस्तों हम निकोलस पूरन को, निकोलस पूरन को, निकोलस पूरन को, निकोलस पूरन को लेंगे, पूरन के बाद रोमन पावेल को लेंगे, रोमन पावेल को लेंगे दोस्तों, लाजवाब दोस्तों करते हैं दोस्तों, लाजवाब बैटिंग करते हैं रोमन पावेल के बाद। सिमरन को लेंगे, सिमरन हेटमायर को लेंगे, सिमरन हेटमायर के बाद दोस्तों हम लेंगे दोस्तों, हेटमायर के बाद लेंगे दोस्तों, हेटमायर के बाद लेंगे कुलदीप को, कुलदीप यादव को लेंगे, कुलदीप यादव के बाद दोस्तों हम लेंगे दोस्तों, कुलदीप यादव के बाद लेंगे दोस्तों अर्शदीप सिंह को दोस्तों, किसको, अर्शदीप सिंह को लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारी दोस्तों एक ड्रीम टीम बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग भी बेस्ट ड्रीम टीम बना लेते हैं खिलाड़ी का पिछला रिकॉर्ड देख करके, पिच रिपोर्ट देख करके और टॉस देख करके एक बेस्ट यूनिक टीम आप भी बना लेते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों आप भी बना लेते हैं परंतु पसीना तब छूट जाता जब बात आती है कप्तान और कप्तान बनाने की। दोस्तों हमारी ड्रीम टीम देखिए किस प्रकार से, सुमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, ब्रांडन किंग है, निकोलस पूरन है, रोमन पावेल है, सिमरन हेटमायर है, कुलदीप यादव है और अर्शदीप सिंह है। और दोस्तों अब बारी आती है कप्तान उप कप्तान बनाने की। दोस्तों देरी न करते हुए आज चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर दोस्तों आपको रिस्क लेना है दोस्तों, तो आप रिस्क लीजिए दोस्तों। यहां पर दोस्तों हम यशस्वी जायसवाल या दोस्तों निकोलस पूरन को बनाते हैं दोस्तों कप्तान, यशस्वी जायसवाल या निकोलस पूरन को बनाते हैं कप्तान, वही दोस्तों हार्दिक पांड्या या सुमन गिल को बनाते हैं वाइस कैप्टन दोस्तों। आप चाहे तो दोस्तों यहां पर आपके पास हम ऑप्शन देते हैं सूर्य कुमार यादव को बना सकते हैं, इससे ज्यादा एयर फेर बदल कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ये हमारी दोस्तों एक एनालिसिस टीम होती है, तो लगातार 2-3 घंटे की मेहनत करने के बाद हम आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारी फाइनल टीम, फाइनल कप्तान और कप्तान आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, वो भी टॉस होने के 10 मिनट बाद। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर देने वाले हैं। तो जाइए फटाफट दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, जिससे हमारा मोटिवेशन दुगना हो सके और हम आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।